वीरा
बेटा थोड़ी देर कैमरा बंद करो ते मैं ना हुण आ चीज़ां तैयार करना। रहमान रहीम, ये सामान मैंने तैयार कर लिया है। ये मसाले वगैरह भी निकाल लिए हैं सारे, साथ में चावल भी निकाल लिए। चावल को अभी साफ़ करना है, जो सूसरी वगैरह लगी हुई जो सारी साफ़ करती हैं। और ये आलू काटे हुए हैं, ये प्याज और ये टमाटर मिर्च हैं। ये देसी चूल्हे पे चढ़ा ली है, ये चूल्हा वाला ठीक है। तो अभी मैं पकाने स्टार्ट करती हूँ। इधर से चम्मच इधर पड़ा है, अभी पहले चावल साफ करके इनको भगो लेती हूँ, फिर पकाना स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल मैंने भगो के रख दिए हैं, अभी मैं पकाना स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे भी वीडियो को रख ली है, अभी इसमें ऐड करना है मैंने घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने हाथ वगैरह साफ करने के लिए और चूल्हा भी साफ साफ करके बंद की चले चूल्हे पड़ गए। मेरे बेटा नहा लो, टिफिन लेके जाना, जल्दी करो नहा के, यूनिफॉर्म उतारो ना अपनी, तैयारी करो टिफिन ले जाने के लिए। मैं चावल बना के खा के चले जाना। रहमान ने तो प्याजों का कलर चेंज हो चुका है हल्का सा। तो अभी मैं ऐड करती हूँ मैं प्याज, सॉरी प्याज में टमाटर में और साथ में करती हूँ ये मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाले मैंने पहले निकाल के रख लिए थे, अब इनको मिक्स करती हूँ और मसाले की भुनाई अच्छी तरह करती हूँ। और साथ ही जो आलू काटे हुए हैं इनको भी वॉश कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाले की भुनाई अच्छी तरह हो गई। अब मैं ऐड करती हूँ इसमें ये काटे हुए आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कटली इधर ही रख लेती हूँ सिंक में धोने के लिए और अब इनको मिक्स करती हूँ और अच्छी तरह इनकी भुनाई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मसाले को भी अच्छी तरह मैंने भून लिया है, भुनाई कर ली है। तो अब ऐड करना है पानी, पानी मैंने अपने पास रखा हुआ है निकाल के। क्योंकि एक कॉल चावल है और दो कॉल मुझे पानी चाहिए। ये पानी मैंने ऐड कर दिया, इनको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी पकना शुरू हो गया, अब इसमें ऐड करती हूँ मैं चावल। थोड़ा सा पानी चावल से निकाल देती हूँ सिंक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल मैंने इन्हें डाल दिए हैं, अब इनको मिक्स करती हूँ और पानी खुश्क होने तक पकाती हूँ। अभी
कपड़ों के लिए दम लगाने के लिए पूरा मैंने हाथ में ले लिया। बड़े जी मजे मजे की खुशबू आ रही है तो भी मैं पूरा गीला कर लेती हूँ। पानी खुश हो चुका है, अब मैं लगाती हूँ दम। अभी 10 से 15 मिनट तक मैं दम लगाऊंगी, आंच हल्की कर देती हूँ। निरा हम चावलों का दम लगा लिया, अभी बनानी है चटनी वगैरह। तो ये इधर मैंने खीरे लेके रखे हुए हैं और ये साथ में टमाटर। सलाद सलूद बना के फिर देते हैं सासू माँ को। ये मैंने खीरे भी निकाल लिए हैं और टमाटर भी, प्याज इधर पड़े हैं वो भी लेती हूँ 2-3। ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली, मैं अब सलाद बनाने के लिए ये सारी चीज़ें तैयार करती हूँ। और अब मैं बिटिया नहा के मेरे पास आ गई है, अभी इसकी गंगी शंगी करनी है जो बाद में करूँगी, पहले लंच आ गए, लेट हो गया है। तो अभी लंच ये मैं मना करो बेटा, शीट ख़राब होती है ना सोने, इस तरह नहीं करते, ख़राब होती है। क्या सारी चीज़ें तैयार करती हूँ पहले। मन रहे प्याज भी मैंने धो के वाश कर लिए, नमक लगा के इसी तरह, और ये टमाटर और खीरे भी काट लिए हैं। तो साथ में ये दही है तो सब्जी मिर्च भी मैंने पीस लिए बिल्कुल बारीक। अभी हल्की सी ये फ्रिज में रखा हुआ था, इसमें बर्फ जम गई है। छोलों को भी बेटा देर हो रही है सोने, के साथ में नमक ऐड करती हूँ क्योंकि आज हमारे पास दही कम ही है। सुबह सुबह बच्चों ने पी लिया था, अब बर्फ पिघल चुकी है। कितनी देर तो साथ में ये बर्फ पिघलने तक मैं चावल चेक कर लेती हूँ। माशाल्लाह जी खिले खिले प्यारे प्यारे चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अभी बड़े लंबे लंबे और प्यारे प्यारे चावल तैयार हो चुके हैं। तो अभी जी पानी शानी ठंडा करना है, बाल्टी लेती हूँ, एक पानी ठंडा करती हूँ तो उतनी देर में बर्फ पिघल ही जाएगी। ये मैंने प्याज अलहदा रख दिया और टमाटर और खीरे अलहदा, जिस तरह किसी ने इस्तेमाल करने में कर लेंगे, जिस तरह उनको ज़रूरत होगी। थोड़ा थोड़ा ऊपर नमक ऐड कर देती हूँ। हमारी काफ़ी लंबी हो रही है, चावल चावल हमारे तैयार हो चुके हैं, अभी दूसरे कमरे में लेके जाती हूँ। तो वीडियो के एंड में इधर ही करती हूँ। ये है हमारी आज की वीडियो, जिन बहन भाइयों को पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तो भूख काफ़ी लग गई, चावल भी काफ़ी मज़े के बन चुके हैं, ना सलाद और चटनी वगैरह भी बन चुकी है। तो अभी खाते हैं और मैदे को ख़राब होने का इंतज़ार करते हैं क्योंकि पहले ही ठीक नहीं हो रहा और ज़्यादा हो जाएगा। खुदा सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके पीछे हमें भी दे। हाँ जी जी, आप लोग क्या कर रहे हो? चीनी वाले नहीं खाने, सलाद वाले खाने और चटनी डाल के बस उधर चलो। चीनी नहीं खानी, हर बात पर चीनी नहीं अच्छी होती, चलो उधर शुगर हो जाती है।